हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। चलिए देखते हैं ए पार्ट क्या है। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ट्रायंगल नहीं है तो हमको ऐसे ही देखना है उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन सा सही है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, देखिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ये सही है। बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी सही है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर, देखिए एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर, ये आपका गलत है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ए सी इक्वल्स टू पी आर, देखिए ए सी इक्वल्स टू पी आर, ये भी ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन सही है, थर्ड वाला गलत है, ये सही नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन इज नॉट ट्रू फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो इसमें से देखिए कौन सा सही नहीं है, ये थर्ड वाला सही नहीं है। ये हमने पढ़ा है, यस 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 पढ़ा है और ए यस ए भी पढ़ा है, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। If triangle ART is congruent to triangle PEN, which of the following is true? इसमें से कौन सा सही है। तो चलिए मैचिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए AR equals to PE, AR equals to PE, यानी पहला वाला ही मेरे को सही मिल गया। बाकी भी चेक कर लेते हैं। एंगल R equals to एंगल N, देखिए एंगल R equals to क्या होना चाहिए, यहाँ पे E होना चाहिए, तो क्या दिया है N। आगे देखिए AR equals to PN, ए आर इक्वल्स टू क्या दिया है, पी एन दिया है, ये भी गलत दिया है, क्या होना चाहिए ए आर इक्वल्स टू पी, यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए एंगल टी इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल टी इक्वल्स टू एंगल एन होना चाहिए, तो दिया है पी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं डी पार्ट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन विल यू यूज इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी इक्वल्स टू डी ई, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि दो एंगल और एक साइड लिया है, यानी क्या लिया है हमने, देखिए यहाँ पे ए यस ए एंगल साइड एंगल, यानी ये वाला फर्स्ट वाला सही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स ई पार्ट क्या है। इन द गिवन फिगर इक्वल साइड्स आर मार्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये वाले साइड की इक्वल कौन सा है, ये वाला साइड है, और ये वाले साइड की इक्वल कौन सा है, ये वाला साइड इक्वल है। तो अब चलिए देखते हैं। ट्रायंगल ए डी बी, जैसे इसने नेमिंग किया स्टूडेंट्स ए डी बी, ठीक उसी तरह हमको करस्पॉन्डिंग में ट्रायंगल लेना है। तो चलिए देखते हैं ए डी बी, ए डी बी, यानी कि क्या गया है सिंगल ब्लैंक डबल। ठीक है, तो हमको इधर से कैसे जाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सिंगल, यानी कि इधर से जाना पड़ेगा सिंगल ब्लैंक डबल। ठीक है, तो हम इसी तरह जाएंगे, तो पहले हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ से सिंगल, इधर से गए और ब्लैंक और फिर डबल, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए सी बी डी, यानी ये वाला होगा, यानी सेकंड पार्ट हमारा सही होगा स्टूडेंट्स। बाकी सब पार्ट जो है वो गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं बी पार्ट मेरा क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन आर टू सर्कल सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल को आपस में हम कब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, जब उनका रेडियस सेम होगा। चलिए लिख देते हैं व्हेन दे हैव द सेम रेडियस। ठीक है, जब उनका रेडियस सेम होगा तब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स यम एंड यन ऑफ ट्रायंगल यम एन पी। तो पहले हम बना लेते हैं ट्रायंगल यम यन पी। ठीक है, बना लिया। अब देखिए कौन कौन सा एंगल है, यम और यन, एंगल यम और एंगल यन। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द साइड इंक्लूडेड, यानी कि पूछ रहा है कि एंगल यम और एंगल यन के बीच में कौन सा साइड आ रहा है। देखिए यहाँ है एंगल यम और यहाँ है यन, यानी ये बीच वाला साइड ये आ रहा है, यानी एम एन साइड आ रहा है, तो लिख देंगे साइड एम एन। ठीक है, ये हमारा आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर to be congruent, name one additional pair of corresponding parts to make them congruent by ASA condition, यानी ASA condition यानी एंगल साइड एंगल से हमको इसको congruent proof करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ 90 डिग्री दिया है और यहाँ भी हमको 90 डिग्री दिया है, ठीक है, और यहाँ एंगल ये दिया है और यहाँ भी एंगल सेम दिया, दोनों का ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स। तो अब पूछ रहा है कि एक एडिशनल पेयर और क्या चाहिए कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, यानी कि हमको क्या चाहिए ये वाला, ठीक है। दो एंगल तो मिल गया, देखिए हमको ये और ये एंगल मिल गया, यहाँ ये और ये एंगल मिल गया, यानी ये बीच का हमको चाहिए। तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए लिख देते हैं बी सी इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए बी सी यहाँ 90 डिग्री से लिए तो इधर भी लेंगे क्यू आर, क्यू आर, ठीक है। तो ये हमको एडिशनल पेयर चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए मैच कर लेते हैं बी सी और क्या है क्यू आर, क्यू आर, तो ये सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स डी पार्ट देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, कंप्लीट ट्रायंगल आर ए टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे उसने लिया है, आर ए टी, आर ए टी, ये देखिए डबल सिंगल ट्रिपल, तो हमको इधर से कैसे जाना है, डबल सिंगल ट्रिपल, यानी डबल फिर सिंगल फिर ट्रिपल, यानी देखिए फिर से डबल सिंगल ट्रिपल, यानी डब्ल्यू ओ एन, तो लिख लेंगे ट्रायंगल डब्ल्यू ओ एन, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, बी डी इज द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, यानी क्या है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो क्या होगा, देखिए रेक्टेंगल है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड मैचिंग होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड मैचिंग होगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, बी डी इज द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, बी डी क्या है, ये डायगोनल है रेक्टेंगल का। विच ऑल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन कैन बी यूज टू शो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी, यानी ये वाला और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से आप क्राइटेरिया यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये ट्रायंगल है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 90 डिग्री और यहाँ पे भी क्या बनेगा 90 डिग्री। तो पहला हम देखते हैं यस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से होगा पहला वाला, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे, देखिए देखिए ये साइड इसके मैचिंग है और इस ये साइड इसके मैचिंग है, दोनों ट्रायंगल में आपको देखना है, ठीक है। तो ये वाला साइड इधर से मैचिंग है, ये वाला साइड इधर से मैचिंग है इस ट्रायंगल में, ठीक है, और ये बीच में क्या है कॉमन है। तो इस तरह यस 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 से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, यानी हमने यहाँ पे सिर्फ साइड 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 का यूज किया है। नेक्स्ट देखिए कौन सा हो जाएगा, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये हो जाएगा। अब चलिए समझाते हैं आर एच एस। देखिए यहाँ पे आर एच एस का मतलब क्या है, राइट यानी एक 90 डिग्री होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस होना चाहिए और साइड होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे ये देखिए 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यानी कि हमारा पहला मैच किया, ठीक है। हाइपोटेन्यूस देखिए, अब ये यहाँ पे 90 डिग्री है तो इधर से ये लाइन आएगा तो ये इसका क्या होगा हाइपोटेन्यूस। अब इधर से ये देखिए यहाँ पे राइट एंगल है इधर से, तो ये इसका क्या होगा हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या है, दोनों में कॉमन है। और साइड हमको चाहिए, तो साइड देखिए इधर वाला और इधर वाला साइड हमको क्या है मैचिंग है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।